नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। जम्मू कश्मीर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। बर्फीले रेगिस्तान में पैर धंसाकर चलते हुए कुछ लोग 70 किलोमीटर तक रास्ता सफर करते हैं और उनके कंधे पर एक शव है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट में। पीछे नीचे देखो, डेड बॉडी, कैसे डेड बॉडी को कैरी कर रहे हैं। कोई भी मदद हमारी नहीं हो रही। ये देखो कितने पांव इनके बीच में जा रहे हैं और कैसे रस्सी से डेड बॉडी को खींचते हुए आगे जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने कोई भी मदद हमारी नहीं की। घुटनों तक धंसती बर्फ के इस रेगिस्तान के बीच दर्जन भर लोगों का ये काफिला कहाँ जा रहा है? इतने मुश्किल हालात में ये लोग कंधों पर किसकी लाश ढो रहे हैं? जाहिर है इन हैरतअंगेज तस्वीरों को देखकर यही सवाल आपके जहन में कौंध रहे होंगे। पूरी कहानी आपको बताएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लाल कपड़े में लिपटा ये शव हिंदुस्तान के एक फौजी की माँ का है। सरहद पर देश की ढाल बनकर खड़ा रहने वाला एक फौजी अपनी मां को सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए बर्फ से भी ठंडे देश के सिस्टम से जूझ रहा है। हम चौकी बाल से टंगडार डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। टंगडार के रहने वाले पिछले 5 दिन से हम चौकी बाल रंगवाड़ गांव में थे। टीपी रंगवाड़ में इन लोगों ने हमारी मदद की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमारे को कोई भी मदद नहीं मिली। इस टाइम हमारे कोई एमएलए ने किसी ने मदद नहीं की। जब वोटों की जरूरत थी तो वो बोलते थे हम हर मदद करेंगे। अभी इस टाइम ये देख लो कि 19 डिग्री इस टाइम चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी पीछे डेड बॉडी देखो। इस टाइम हम चौकी बल से इस हालात में डेड बॉडी लेकर आ रहे हैं। बर्फ से पटे इन पहाड़ों पर रास्ता ढूंढ पाना नामुमकिन है। इसके बावजूद ये फौजी और उसके साथ के लोगों का हौसला टूटता नहीं है। एक रस्सी के सहारे जब लोग एक दूसरे से बंधे हैं, आगे की टुकड़ी रास्ता बना रही है और पीछे के लोग फौजी की मां का शव कंधे पर लादे आगे बढ़ रहे हैं। रास्ते में 90 डिग्री की सीधी चढ़ाई है, लेकिन इसे भी पार करना ही है। कितनी चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये डेड बॉडी देखो, गवर्नमेंट ने कोई भी मदद नहीं की। कैसे 90 डिग्री में इस टाइम डेड बॉडी लेकर हम जा रहे हैं, कोई भी मदद नहीं हो रही है। ये देखो कितनी बर्फ को पार करते हुए डेड बॉडी को कैसे कैरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा नज़दीक जा रहा हूँ, आप देखो। वीडियो बना रहा शख्स बार बार इस बात का जिक्र कर रहा है कि इन लोगों को तंगधार जाना है, यानी आप वीडियो में जो जगह देख रहे हैं वहां से 70 किलोमीटर आगे ऐसे ही रास्तों पर चलकर। जाहिर है आवाज में सरकार और नेताओं को लेकर तल्खी भी साफ महसूस हो रही है। बर्फ में फंसे फौजी और उसकी मां की पूरी कहानी क्या है? भारतीय सेना के एक जवान को अपनी मां का शव इस तरह क्यों ढोना पड़ रहा है? सेना और सरकार ने इसकी मदद क्यों नहीं की? बर्फ होती इंसानी संवेदनाओं और मां के लिए एक फौजी की जंग की पूरी कहानी आगे है। चौकीबल कुपवाड़ा से शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, आज तक। अभी आपने बर्फ के पहाड़ पर जो जद्दोजहद देखी वो दरअसल कश्मीर के ऊपरी इलाके तंगधार जाने की है। एक सैनिक, उसके साथ कुछ लोग जो उसे सहारा दे रहे थे, उसकी मां के शव को 70 किलोमीटर तक पैदल चलकर बर्फीले रेगिस्तान में ले जा रहे थे। दरअसल इस सैनिक के जो अफसर हैं उन्होंने भरोसा दिया था कि मां के शव को श्रीनगर से ही एयरलिफ्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम चौकी बल से टंगडार डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। टंगडार के रहने वाले पिछले 5 दिन से हम चौकी बल रंगवाड़ गांव में थे। टीपी रंगवाड़ में इन लोगों ने हमारी लाल कपड़ों में लिपटी ये लाश सकीना बेगम की है। सकीना बेगम कश्मीर घाटी के तंगधार के करनाह इलाके की रहने वाली थी। दुनिया से रुखसत होने के बाद आखिरी सफर ऐसा होगा सकीना ने जीते जी कभी सोचा भी नहीं होगा। वो तो भला हो उस बेटे का जिसने माँ को आखिरी विदाई देने के लिए उसके घर तक पहुंचाने की जिद ठान ली। तंगधार की रहने वाली सकीना का बेटा भारतीय फौज में है। सकीना 3 महीने पहले बेटे के पास पठानकोट गई थी।
लेकिन पठानकोट में दिल का दौरा पड़ने से सगीना की मौत हो गई। अधिकारियों ने सगीना का शव श्रीनगर से एयरलिफ्ट करवाने का वादा किया था। सगीना का बेटा शव को लेकर श्रीनगर तक पहुंच गया। कितनी चढ़ाई चढ़ते हुए हम लोग जा रहे हैं, ये डेड बॉडी देखो, गवर्नमेंट ने कोई भी मदद नहीं की। कैसे 90 डिग्री में इस टाइम डेड बॉडी लेकर हम जा रहे हैं, कोई भी मदद नहीं हो रही है। ये देखो कितनी बर्फ को पार करते हुए डेड बॉडी को कैसे कैरी कर रहे हैं। मैं थोड़ा नजदीक जा रहा हूँ, आप देखो। पठानकोट से मां की लाश लेकर सगीना का बेटा श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर में जब एयरलिफ्टिंग का कोई इंतजाम नहीं हो पाया तो फौजी जैसे तैसे मां का शव लेकर कुपवाड़ा तक पहुंचा। यहां कुछ गांव वालों ने उसकी मदद की और फिर 70 किलोमीटर तक बर्फीले रास्तों पर पैदल चलकर ये लोग तंगधार पहुंचे। डेड बॉडी यहां पे रुकी है, कितने फुट बर्फ में पंप पार करते हुए हम लोग आते हैं, पूरा पंप वो डूब रहा बीच में, सड़क का कोई नाम निशान नहीं है। हमारे को मदद चाहिए, गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे को हेल्प चाहिए, मदद चाहिए। गवर्नमेंट टंगदार वालों को कोई नहीं देखना चाहती। इस टाइम हम ये चढ़ाई चढ़ के ऊपर आए जो कि आप लोग देख सकते हो 90 डिग्री चढ़ाई, इसको देखो, इसमें हम ऊपर इस चढ़ाई में चढ़ गए हैं और आगे भी देखो ये रास्ता बनाते हुए जा रहे हैं। पठानकोट छोड़ने के बाद एक फौजी बेटा पूरे 5 दिनों तक मां की लाश को लेकर भटकता रहा। अधिकारियों की मिन्नतें की, नेताओं से फरियाद लगाई, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिरकार अपने हौसले और कुछ भले लोगों की मदद के बूते बेटे ने मां को घर तक पहुंचा ही दिया। लेकिन तंगधार के लोग अपने बेटे और माँ का ये हाल देखकर हैरान है। लोगों का कहना है कि गुलमर्ग में आने वाले पर्यटकों के लिए सरकार 4-5 घंटों में ही रास्ता खुलवा देती है, लेकिन तंगधार के हजारों बाशिंदे जो हफ्तों से पूरे देश और राज्य से कटे हुए हैं, उनके साथ सौतेला बर्ताव क्यों? सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब देश के लिए जान लड़ाने वाले एक फौजी के साथ ऐसा सलूक हुआ तो आम लोगों को कौन पूछेगा? चौकी बल कुपवाड़ा से शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, आज तक। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से महिला के साथ हैवानियत की एक तस्वीर सामने आई है। पानी की टंकी का विरोध करने पर गांव के सरपंच ने उस महिला के साथ बदसलूकी की, उसे मारा बेरहमी से, उसके बाल खींचे, उसे जमीन पर गिरा दिया। और जब ये वीडियो अब सामने आया है सोशल मीडिया पर तो अब ये पूरी खबर सबके सामने है। एक महिला पर टूटा सरपंच का कहर, पहले महिला को घसीटकर जमीन पर गिराया, फिर कमर पर लात मारी। तस्वीरें 21वीं सदी के इसी हिंदुस्तान की है जहां महिला सशक्तिकरण की बात हर दिन की जाती है। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के जल्लीपल्ली गांव की ये कहानी है जहां सरेआम एक महिला की बेरहमी से पिटाई की गई। अब आगे देखिए किस तरह से पीली शर्ट पहना ये शख्स दौड़ कर आता है और महिला के सिर पर लात दे मारता है। आसपास मौजूद लोग महिला की मदद नहीं करते हैं जबकि महिला को घसीटा जा रहा है और बाल पकड़कर खींचा जाता है। बेसहारा औरत चीखती चिल्लाती है लेकिन उसे बचाने वाला कोई सामने नहीं आता है। महिला के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि गांव का सरपंच है। दरअसल सुधा ने अपने घर के सामने बन रही पानी की टंकी को लेकर आपत्ति जताई थी। इसकी शिकायत लेकर वो सरपंच नागराज के घर गई थी। महिला चाहती थी कि पानी की टंकी नागराज कहीं दूसरी जगह बनवाए लेकिन नागराज को ये बात चुभ गई और उसने महिला की पिटाई शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने नागराज और उसके साथी को गिरफ्तार कर मामले में खाना पूर्ति की और बाद में दोनों को छोड़ दिया। एक बार फिर यह साबित हो गया है कि महिलाओं के अधिकारों की चाहे कितने दावे किए जाएं, लेकिन अनंतपुर के जल्लीपल्ली गांव का ये मंजर कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है।
अनंतपुर से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो।